मरदुरा की धरती पर सरकार चुनने के लिए 25 नवंबर को होगा मतदान। कांग्रेस बीजेपी समेत अन्य पार्टियों के नेताओं ने झोंकी पूरी ताकत। प्रचार के आखिरी दिन दिग्गज नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं। प्रधानमंत्री के खिलाफ पनौती और जेबकतरा शब्द बोलने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें। चुनाव आयोग ने भेजा उनको नोटिस, 25 नवंबर तक मांगा जवाब। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कल से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। सेना ने 2 आतंकियों को किया ढेर। मुठभेड़ में सेना के 5 जवान हुए शहीद। चुनावी माहौल में राजस्थान पुलिस का एक्शन। अब तक 425 करोड़ की वस्तुएं जब्त। कार्रवाई में जोधपुर जिला नंबर 1। सरोई में बीजेपी के बागी हेमंत पुरोहित पर जानलेवा हमला। चुनाव प्रचार कर जाते समय बीच रास्ते में हुआ हमला। गंभीर हालत में हेमंत पुरोहित को कालंद्री में सिरोही से किया रेफर। थमा चुनाव प्रचार। डूंगरपुर में अंतिम दिन प्रत्याशियों ने दिखाया दमखम। जनसभा के जरिए की मतदान करने की अपील। सरोई के रेवदम में एफएसटी टीम को नाकाबंदी के दौरान मिली बड़ी सफलता। बोलेरो वाहन से 9 लाख रुपए की नकदी बरामद। एफएसटी टीम प्रभारी घनश्याम सिंह की कार्रवाई। कोटा के इटावा में निजी बसों की चुनाव में ड्यूटी लगने से बिगड़ी व्यवस्था। शादी विवाह के चलते बसों में भारी भीड़। छत पर बैठकर सफर करने को मजबूर किया। अनुपगढ़ की रावला में जल जीवन मिशन के तहत डाली जा रही पाइपलाइन। मंडी 365 हेड की इंटरलॉकिंग सड़क फूल क्षतिग्रस्त। आमजन को आवागमन में हो रही खासा परेशानी। झुंझुनू जिले में 870 मतदान केंद्र पर होगी सीसीटीवी से निगरानी। वेबकास्टिंग के जरिए कंट्रोल रूम रखेगा संपूर्ण निगरानी। अति संवेदनशील और संवेदनशील केंद्रों पर विशेष फोकस। जयपुर की जवाहर सर्किल थाने में तैनात कांस्टेबल भंवर सिंह गुर्जर की हार्ट अटैक से हुई मौत। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव सहित थाना स्टाफ ने पुष्पांजलि अर्पित कर जताया शोक। सरोई में रिजर्व पुलिस लाइन में चोरी का मामला है सामने। चोरों ने पुलिस लाइन से काटे 5 चंदन के पेड़। पुलिस प्रशासन की सतर्कता कर खड़े किए कई सवाल। बालोतरा के सिवाना में पुलिस और बीएसएफ जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। भयमुक्त मतदान का दिया संदेश। पुलिस अधिकारी रहे साथ। अलवर की अरावली विहार थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर किया सुसाइड। पुलिस को मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट। मामले की जांच जारी। कोटा में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। नगर निगम की 8 दमकलें जुटी आग बुझाने में। आग पर लगभग पाया गया काबू। सरोई के आबू रोड में पुलिस ने पत्थरबाजी मामले का किया खुलासा। पुलिस ने मामले में 8 लोगों को किया गिरफ्तार। 2 बाइक जब्त। आरोपी राहगीर और पर्यटकों पर करते थे पत्थरबाजी। फलौदी में जमीन विवाद में हुए झगड़े में एक व्यक्ति की हुई मौत। बाप थाना क्षेत्र के बाखरिया गांव का है पूरा मामला। पुलिस आरोपियों की तलाश में। जैसलमेर के गड़ीसर सरोवर पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दीपदान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सरोवर को दीपक की रोशनी से सजाकर वोट देने की अपील। तो वहीं कई लोग भी रहे इस वक्त साथ। चित्तौड़गढ़ के कपासन में तुलसी शालिग्राम विवाह समारोह की धूम। शाही लवाजमे के साथ निकाली भव्य शोभा यात्रा। किन्नर गादीपति ने किया तुलसी विवाह का आयोजन। शाहपुरा में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा श्याम बाबा का जन्मोत्सव। श्याम मित्रों ने आतिशबाजी कर काटा केक। आकर्षक भजनों की भी दी प्रस्तुति। अजमेर के पुष्कर के प्रसिद्ध धार्मिक मेले का हुआ शुभारंभ। पवित्र सरोवर में करेंगे लाखों श्रद्धालु स्नान। ब्रह्मा मंदिर सहित अन्य मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी। पाली के बाली में खेतलाजी मंदिर पर ध्वजारोहण और वार्षिक समारोह धूमधाम से हुआ आयोजित। खेतलाजी महाराज और मां चामुंडा की प्रतिमा को भव्य आंगी पुष्पहार से किया सुशोभित। पूजा अर्चना कर मंदिर पर चढ़ाई ध्वजा। बांसवाड़ा के कलिंचुरा में सीएचसी डॉक्टर की लापरवाही आई सामने। गंभीर युवक का प्राथमिक उपचार तक नहीं किया इलाज। सीधे जिला अस्पताल किया रेफर। देर रात 2 बजे
पोखरण के फील्ड फायरिंग रेंज में मिले युगल प्रेमी के शव, नाबालिग प्रेमिका और प्रेमी के शव पेड़ से मिले लटके। 19 नवंबर को घर से लापता हुए थे दोनों, पुलिस ने शुरू की जांच। सरहोई के पालड़ी एम बाईपास के पास ट्रेलर पलटने से हुआ हादसा, हादसे में ट्रेलर चालक और परिचालक हुए गंभीर रूप से घायल। हालत गंभीर होने से दोनों घायलों को किया जिला अस्पताल में। जयपुर के चमू में एनएच 52 सामोद पुलिया पर हुआ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार में बस ने कार और चार बाइकों को मारी टक्कर, हादसे में कई लोग। झुंझुनू शहर के गुराई मोड़ पर अनियंत्रित कंटेनर कार से टकराने के बाद दुकान में घुसा, हादसे में कंटेनर चालक की मौत, कार सवार चार घायल, घायलों का इलाज। डीक के कामों में अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार को कुचला, बाई तवार की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को किया। जैसलमेर के फलसूंड में खड़े ट्रैक्टर में घुसी बाइक, हादसे में बाइक सवार युवक हुआ घायल, डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद किया जोधपुर। अजमेर में चुनाव को लेकर आबकारी विभाग मुस्तैद, जिले में 472 दुकान और गोदाम बंद, शराब की दुकानें खुली तो लाइसेंस होगा रद्द। डीडवाना में 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पुलिसकर्मियों को दिया प्रशिक्षण, मतदान दलों को शांतिपूर्ण मतदान कराने के निर्देश, जिला कलेक्टर ने ली प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक। आमसभा, नुक्कड़ सभा और भोपू प्रचार पर लगी रोक, सरहोई में चुनाव प्रचार के लिए लगे होर्डिंग्स और बैनर उतारना शुरू, अब प्रत्याशियों ने शुरू किया डोर टू डोर जनसंपर्क। कोटपुतली के बांसुर में दुकान मालिक और नौकर के बीच हुई जमकर लड़ाई, बड़ी संख्या में लोगों की भारी भीड़ हुई जमा, पुलिस ब्यूटी पार्लर ऑनर को लेकर आई सामने। धौलपुर में निर्वाचन विभाग और प्रशासन की अंतिम स्तर की तैयारियां शुरू, शहर में निकाली मतदाता जागरूकता रैली, एसडीएम समेत अन्य अधिकारी रहे साथ। करौली जिले में शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा बलों ने निकाला फ्लैग मार्च, निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान का दिया संदेश। अलवर के गोविंदगढ़ में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, फ्लैग मार्च में मतदान जागरूकता का दिया संदेश। दौसा जिले में करीब 800 छोटे बड़े वाहन को किया अधिग्रहण, इसमें कंटेनर, बस, ट्रक, छोटे वाहन भी शामिल, जिला परिवहन अधिकारी ज्ञानदेव विश्वकर्मा टीम के साथ खुद कर रहे मॉनिटरिंग। दौसा पुलिस अधीक्षक मनिता राणा, चुनाव में ली लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त, बोली चुनाव में जीरो टॉलरेंस के साथ काम किया जाएगा, जिले में शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में फोर्स मौजूद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जन्मदिन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फोन कर दी शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने फोन कर दी बधाई। मथुरा दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रीकृष्ण जन्मभूमि में दर्शन किए प्रधानमंत्री मोदी ने, पीएम मोदी ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भी की पूजा अर्चना। मीराबाई पर डाक टिकट जारी, प्रधानमंत्री मोदी ने डाक टिकट किया जारी, 525 रुपए का सिक्का भी किया जारी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी का निधन, तमिल की राज्यपाल भी रह चुकी हैं फातिमा, राजीव गांधी के हत्यारों की दया याचिका की थी खारिज। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के खिलाफ सुनवाई के लिए सहमत, 28 नवंबर को होगी सुनवाई, याचिका की मांग खुली अदालत में हो। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा कल, हॉट कुकर मील योजना का करेंगे शुभारंभ, हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन, रामलला के दरबार सीएम योगी करेंगे आज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अजीबोगरीब बयान, बोली फाइनल कोलकाता में होता तो इंडिया वर्ल्ड कप जीतती, कहा खिलाड़ियों ने सारे मैच जीते जिसमें पापी पहुंचे बस वही हार। महाराष्ट्र में खिचड़ी घोटाला मामला, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने किया नोटिस जारी, आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान पर अनमोल कीर्तिकार को किया तलब।
कपूरथला गुरुद्वारा फायरिंग मामला, कपूरथला गुरुद्वारा फायरिंग मामले में 5 निहंग सिख गिरफ्तार। तो वहीं होमगार्ड के जवान अस्पताल सिंह जसपाल सिंह की भी हुई मौत। आरोपियों के कब्जे से 3 हथियार भी किए बरामद। रेलवे का राजस्थान को एक और तोहफा, राजस्थान में चलेगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस। जयपुर से जोधपुर, जयपुर से कोटा होते हुए इंदौर तक होगी संचालित। झारखंड के चाईबासा में आईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ का एक जवान हुआ घायल, इलाज के लिए रांची भेजा गया जवान। बिहार में भी हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन की मांग, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश को लिखा पत्र, कहा हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में लोगों को सुबह सुबह लगा झटका, आईजीएल ने बढ़ाए सीएनजी के दाम, कीमतों में 1 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी। दिल्ली की आबोहवा में फिर गुला जहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। तो वहीं राजस्थान की हवा को लगी नजर, बीकानेर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200, ऑरेंज जोन में उदयपुर। जम्मू कश्मीर लद्दाख में बर्फबारी, मैदानी राज्यों में गिरेगा पारा, दिल्ली समेत यूपी और हरियाणा में न्यूनतम पारा 10 डिग्री से भी जाएगा नीचे, तमिलनाडु में भारी बारिश। मिजोरम सरकार का बड़ा फैसला, क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न में नहीं होगी आतिशबाजी, पॉल्यूशन को लेकर लिया ये बड़ा फैसला। मोनू मानेसर के खिलाफ हत्या का मामला, मोनू मानेसर को नहीं मिली बेल, हरियाणा की पटौदी की कोर्ट ने केस सुप्रीम कोर्ट गुरुग्राम कोर्ट को किया शिफ्ट, तो 3 संदिग्ध अभी भी चल रहे हैं फरार। ओडिशा के जाजपुर में सरकारी स्कूल में उठक बैठक करने के दौरान बच्चे की मौत, बच्चा अपने 4 दोस्तों के साथ क्लास के दौरान स्कूल परिसर में खेल रहा था, क्लास बंक करने पर टीचर ने दी सजा। यूपी की राजधानी लखनऊ में डेंगू का कहर, पिछले 24 घंटे में डेंगू के 28 मरीज मिले, डेंगू के मरीजों में D2 स्ट्रेन मिला, पीजीआई की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। नेपाल में सुबह सुबह कांपी धरती, 4.5 तीव्रता के भूकंप के झटके किए गए महसूस, अभी तक किसी बड़े नुकसान की जानकारी। नीदरलैंड का चुनाव जीते इस्लाम विरोधी नेता ग्रीट वाइल्डर्स, पाक को आतंकी देश कहा था, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर भारत का समर्थन किया। चीन के स्कूली बच्चों में रहस्यमय बीमारी का कहर, तेज बुखार और फेफड़े में जलन की शिकायत, बीजिंग के 800 किमी के अस्पताल मरीजों से भरे। अरब देशों के विदेश मंत्री भारत आएंगे, दौरा इसी हफ्ते मुमकिन, इसराइल और हमास जंग के अलावा पश्चिम एशिया पर भी चर्चा संभव। डूंगरपुर का 772वां स्थापना दिवस आज, तो वहीं कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन हुई थी डूंगरपुर की स्थापना। विकास संवत 1339 को महारावल वीर सिंह देव ने रखी थी डूंगरपुर की। प्रदेश में मौसम विभाग का नया अलर्ट हुआ जारी, राजस्थान में नया पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय, 26-27 नवंबर को ओलावृष्टि के साथ बारिश की संभावना। जयपुर संभाग में बारिश के साथ कुछ स्थानों पर हो सकती है भारी ओलावृष्टि। पूर्व क्रिकेट एस श्रीसंत पर ठगी के आरोप, क्रिकेट एकेडमी खोलने के नाम 18.7 लाख रुपए किए थे जब्त, तो केरल में केस हुआ था। मां को गले लगाकर भावुक हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद काम लौटे, बोले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने ट्रॉफी का अपमान किया। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर राशिद खान बीबीएल के 13वें सीजन में नहीं खेलेंगे, बैक इंजरी की सर्जरी करवाएंगे, वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था आखिरी मैच। एनिमल का ट्रेलर हुआ रिलीज, पापा के लिए दुनिया से सबसे लड़ते दिखे रणबीर, रणबीर वर्सेस बॉबी देखकर एक्साइटेड हुए यूजर्स, 3 घंटे में 31 लाख लोगों ने देखा। IFFI में अनुराग ठाकुर ने किया बड़ा ऐलान, कहा 40% तक बढ़ाया जाएगा इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन इंसेंटिव, इस बार OTT अवार्ड्स की भी होगी शुरुआत। बॉलीवुड के हैंडसम हीरो शाहिद कपूर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब हो रहा वायरल, IFFI में परफॉर्म करते हुए स्टेज पर गिर पड़े शाहिद कपूर, डांस करते समय बैलेंस बिगड़ने से गिरे एक्टर।